अगर कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आए तो वह प्रक्रिया क्या अपनाएगा और उसके क्या कर्तव्य होंगे। सबसे पहला उस पुलिस ऑफिसर का ये कर्तव्य होगा, वह अपने नाम का सही प्रकट वह स्पष्ट पहचान धारण करेगा जिससे उसकी आसानी से पहचान हो सके। जैसे कि अगर पुलिस ऑफिसर ने वर्दी पहनी है तो यहाँ पर नाम का जो प्लेट होता है वो लगा हुआ होना चाहिए, और अगर उसके स्टार लगे तो स्टार स्पष्ट रूप से लगे होने चाहिए। दूसरा ये कि गिरफ्तारी करने के लिए वह एक मेमोरेंडम, एक ज्ञापन देगा जिसको गिरफ्तार कर रहे हैं, एक पेपर होगा, पेपर के ऊपर पूरा पूरा लिखा होगा कि उसको किस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तार किए जाते समय कम से कम एक विटनेस से अटेस्टेड किया जाएगा, या तो फिर जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसका कोई रिश्तेदार हो या उसके कुटुंब का हो, या फिर जहां पे गिरफ्तारी की जा रही है उस मोहल्ले का एक प्रतिष्ठित आदमी होगा। जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसके भी काउंटर साइन करवाए जाएंगे। जब तक उसके घर के सदस्य के किसी रिश्तेदार द्वारा उस जो मेमोरेंडम दिया गया, जो ज्ञापन दे रखा, उसको अटेस्टेड नहीं कर दिया जाता, तब तक पुलिस ऑफिसर उसको ये बताएंगे कि ये तेरा अधिकार है कि तू तेरे दोस्तों या तेरे फैमिली के किसी भी रिलेटिव को तेरी गिरफ्तारी के बारे में इत्तला दे सकता है।